वेलकम टू सिंह आर्चरी। मेरा नाम है जसमिंदर और मैं आज आपको एक रिव्यू देने जा रहा हूँ फॉक्स मैक्स, जो हमने यूक्रेन से मंगवाया था उस धनुष के बारे में। इसका नाम है फॉक्स मैक्स, ये गेरा बो कंपनी ने बनाया। दोस्तों, सिंह आर्चरी कोई भी रिव्यू देती है आपको, वो उस प्रोडक्ट को, उस बो को अच्छी तरीके से जाँचने परखने के बाद देती। और मैं इससे, ये मेरे पास 15 दिन पहले आया था, 15-20 दिन पहले, और मैं इस पर करीबन 100-150 एरोज अभी तक शूट कर चुका हूँ। इसका ये कवर इसके साथ आता है, बहुत बढ़िया कवर है और अच्छी क्वालिटी का है, जो इसको प्रोटेक्शन देता है। आप इसे रख सकते हैं, रख रखाव में इसके काम आता है। इसके साथ ये स्ट्रिंग है, जिसमें 2 स्ट्रिंग साइलेंसर्स लगे हुए हैं, जो रैबिट हेयर के हैं शायद, और बहुत अच्छा काम करते हैं ये। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जिसकी लंबाई है, वो 51 इंचेस की है। टोटल लेंथ स्ट्रिंग की है 51 इंचेस, और इस धनुष की जो लेंथ है, टोटल इसकी जो लंबाई है, वो 56 इंचेस की है, यानी कि 56 इंचेस की। इसके अलावा इसका जो ग्रिप है, ग्रिप एरिया है, ये 4 इंचेस का है, मेरे हाथ के लिए बढ़िया है और बड़े एकदम स्टडी है। यहाँ पर इसके लेदर का इन्होंने एक्स्ट्रा कवरिंग दे रखी है, जो कि एरो पास के लिए सहायक रहती है, बढ़िया रहती है। दोस्तों, इसकी जो बनावट है या बनाई है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। इसमें ज़्यादातर जो वो यूज़ करते हैं गेरा बो कंपनी वाले, वो इसमें अमेरिकन ग्लू है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जर्मन बियर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो इसकी जो वुड है, वो ऐशवुड वो यूज़ करते हैं। मेरा जो ये बो है, ये टाइगर वुड का बना हुआ है, ये स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया था। इसकी आप टिप्स देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें इसकी फिनिशिंग है, और किसी तरीके से मुझे कोई कमी नहीं लगी इसमें। बहुत बढ़िया बो है, बहुत उम्दा क्वालिटी वाइज। और आप इसका जो ओवरऑल वेट है, इसका वेट 443 ग्राम्स है, यानी कि 443 ग्राम, जो कि 450 ग्राम से भी कम है, लेकिन इसको हैंडल करने में ये बहुत स्टडी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्टेबल बो बन जाता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन में, इसके जो ड्रॉल है, वो 28 इंचेस पर, ये 48 LBS का की पाउंडेज देता है, उसकी पावर देता है, और मैक्सिमम इसका ये 32 इंचेस तक इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब मैंने इसको 32 इंचेस तक स्ट्रेच किया है, तो ये हमें 52 और 51 के बीच की पावर दे देता है, 51 LBS की। दोस्तों, ओवरऑल ये क्वालिटी वाइज ये बहुत बढ़िया है, और इसे अगर हम कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया बो साबित होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स, ये डेनमार्क के 1-2 कॉम्पिटिशन्स तो ये जीत ही चुका है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो इसलिए ये एक कॉम्पिटिशन करने के लिए बहुत बढ़िया बो है, कॉम्पिटिटिव आर्चरी के लिए बहुत बढ़िया बो है। आप इसे घर में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कोई ऐसा धनुष हो जो मैं हमेशा यूज़ करूँ, अपने घर पर रखूँ, बच्चों को, बच्चे जो हैं वो यूज़ कर सकें, आप खुद भी यूज़ कर सको, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि क्वालिटी के साथ ये परफॉर्मेंस भी देता है। दोस्तों, आइए इसको ब्रेस करते हैं। ब्रेस आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसके, यहाँ पे लेदर की पैडिंग दी हुई है, एरोपास के, सॉरी, ये स्ट्रिंग ब्रिज के लिए स्ट्रिंग सपोर्ट है यहाँ पर। ड्रॉ एकदम स्मूथ है, कोई इशू नहीं। इसे चलाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि जितना इसको मैंने चलाया, जितना यूज़ किया, उतना ये इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है, उतनी बढ़ जाती है। और इसका ये जो स्ट्रिंग दे रखा है इन्होंने, B50 डेक्रॉन का दे रखा है, और मुझे ये भी बताया गया था, अगर इसमें डायना फ्लाइट का अगर स्ट्रिंग लगाया जाए, तो ये और बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें और इसकी ख़ास बात ये है कि ये पावर के साथ ये स्टेबिलिटी देता है आपको। एरो बहुत फास्ट रिलीज़ होता है, और उसकी जो
जितनी फास्ट हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं उतना ये स्टेबल हो जाता है, स्टडी हो जाता है। ये इस बो की खासियत है। आइए देखते हैं कि ये कैसा शूट करता है। कार्बन एरो, कार्बन एरो, वुडन एरो, बैम्बू एरो, कार्बन एरो। दोस्तों आप इसे मेडिटेरियन स्टाइल तो कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके साथ जो है थंब स्टाइल से भी आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप चला सकते हैं इसको। थंब स्टाइल चलाता हूँ। तो दोस्तों ड्रॉ में, खींचने में, इसको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया ये धनुष है, कॉम्पिटिशन्स के लिए और वैसे यूज़ करने के लिए बहुत बढ़िया धनुष है ये। आइए अब इसका हम स्पीड टेस्ट करते हैं कि किस स्पीड से आपको एरो की कैसी स्पीड देता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बैम्बू एरो से। FPS, FPS, 159 FPS. Now, these are the wooden arrows. FPS. 161 FPS. 163 FPS. Now turn comes for carbon arrows. These are 493 grains, means approximate 500 grains. 160 FPS. 171 FPS.
169 FPS। दोस्तों आइए इसकी एवरेज चेक करते हैं। हाईएस्ट इसने दी है 171 FPS और लोएस्ट है 153 FPS और एवरेज है इसकी 163 FPS। तो दोस्तों ये बहुत डिसेंट स्पीड है, स्टेबल बो है और बहुत स्टर्डी है। इसकी जो टिप्स अगर आप देखेंगे ये अभी भी रिकर्व मूड में है, इससे इसको पावर और स्टेबिलिटी दोनों अच्छी मिलती हैं। तो दोस्तों आपको ये बो कैसा लगा, आपको ये धनुष कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा मैं गेरा बो कंपनी को थैंक्स करूँगा, उन्होंने बहुत बढ़िया बो ये बनाया मेरे लिए और ये गिफ्ट टी शर्ट भी मुझे भेजी है उन्होंने गेरा बो कंपनी की तरफ से, तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। और उस पर जो स्लोगन है इट आर्चरी इज़ वे ऑफ लाइफ, ये तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। दोस्तों गेरा बो कंपनी ने एक और अपनी बात बताई थी कि जब भी वो अपने प्रोडक्ट कहीं अपने कस्टमर को बेचते हैं तो एक लेसन उनको फ्री देते हैं। तो दोस्तों उनकी ये बात को उनकी ये बात मुझे इतनी बढ़िया लगी कि मुझे भी लगा कि अगर कोई सिंह आर्चरी की तरफ से इस बो को परचेज़ करता है गेरा बो कंपनी का तो मैं भी उनको एक लेसन फ्री ज़रूर दूंगा कि इसको कैसे चलाया जाए, इसकी हैंडलिंग कैसे है, वो सब कुछ मैं उसमें आपको उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आने वाले मेरे वीडियोस देखते रहिए और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको मैं बोस दिखाऊंगा और इसके अलावा और भी जानकारी जो भी ट्रेडिशनल आर्चरी को लेकर मुझे मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।